समझना कि ये सारे जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है, वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान कयामत की तरफ दौड़ रहे होंगे, उनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगी और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उनका अजाब आ जाएगा। तब जालिम लोग कहेंगे कि हमारे परवरदिगार हमें थोड़ी सी मोहलत अदा कर ताकि हम तेरी दावत तौहीद कबूल करें और तेरे पैगंबरों के पीछे चले। तो जवाब मिलेगा, क्या तुम पहले कसमें नहीं खाया करते थे कि तुमको इस हाल से जिसमें तुम हो सवाल नहीं होगा। जिस दिन ये जमीन दूसरी ही जमीन बना दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग अल्लाह के सामने निकल खड़े होंगे, जो यकता है बड़ा जबरदस्त है और उस दिन तुम गुनाहगारों के देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनके कुर्ते तारकोल के होंगे और उनके चेहरों को आग लपट रही होगी, इसलिए कि अल्लाह हर शख्स को उसके अमाल का बदला दे। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ये कुरान लोगों के नाम अल्लाह का पैगाम है ताकि उनको उससे बनाया जाए और ताकि